नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज आपको बताने वाले हैं कि प्रियंका गांधी का जो रोड शो था वो 20 किलोमीटर लंबा था। और इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस से लोगों की भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और क्यों उम्मीदें हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कानपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो था और रोड शो जो है 20 किलोमीटर का लंबा रोड शो था। अब सवाल ये है, और उसमें लोग जो है काफ़ी संख्या में उभर कर आए, लोग समर्थन करने आए, और यही वजह है कि काफ़ी की संख्या में जो है भीड़ इकट्ठा हुई। आपको ये भी बता दें कि इस 20 किलोमीटर लंबा रोड शो से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो क्यों हैं, कांग्रेस से जो उम्मीदें हैं वो क्यों हैं, आइए आपको समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अगर अखिलेश की सरकार को देखें, मायावती की सरकार को देखें, या फिर योगी जी की सरकार को देखें, तो इन तीनों के सरकार को तुलना करने के बावजूद लोग आज भी यूपी के जो जनता है वो परेशान है। वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से परेशान है, महंगाई से परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है, क्योंकि किसी में कोई भी तब्दील नहीं हुई है, ये ऐसा लोग मानते हैं और लोगों का कहना है। जितने भी, चाहे वो सीएम योगी हों, अखिलेश यादव जी हों या मायावती हों, जितने भी बड़े बड़े भाला के बयान करें, ये बयान दें या दावे वादे करें, डंके की चोट पे कहें कि हमारी सरकार में ये हुआ है, लेकिन जनता इसे सिरे से नकार रही है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज लोग जो है कांग्रेस से उम्मीदें जता रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शायद उनके लिए अच्छा करेगी, उनके भले के लिए करेगी और ग्राउंड पर काम करेगी। खैर, लोगों की उम्मीदें तमाम पार्टियों से ही हैं। अब देखना यही होगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है, और सरकार जिसकी भी बने, क्या यूपी की जनता के लिए कौन काम करने पे खड़ा उतरेगी, ये बड़ा एक सवाल रहेगा। क्योंकि आज वाकई में देश जो है बेरोजगारी, खास करके रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।